भाई पता नहीं क्या हो गया, अचानक से लाइन कटा और अटेंडम सब चीज़ बंद हो गया और ये यूपीएस भी डाउन हो चुका है दोस्तों। तो ठीक है, पावर लाइन आ गया, एक बल्ब जल रहा है, बट ये भी अभी बैकअप पे है, अभी भी डाउन हो चुका है और इन्वर्टर कुछ काम नहीं कर रहा है दोस्तों। अब लगता है इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो भाई इसने भी जो है सीटी दे दिया, अभी डाउन हो चुका है। और बैटरी को सबसे पहले चेक कर लेते हैं, एमसीबी तो शायद सही लग रहा है। सबसे पहले हमें वोल्टेज चेक कर लेना होगा, यह है कितना वोल्टेज इस वक्त, साढ़े 15 वोल्टेज है, यानी होप हमारा बैटरी तो ठीक ठाक है, बैटरी ठीक है, यानी हमारा जो बैटरी डिस्चार्ज तो नहीं है, ओके है। अब बारी है दोस्तों इन्वर्टर को चेक करने का, कि मे भी इन्वर्टर जो है हमारा शायद इसका लगता है कि फ्यूज़ मार चुका है, तो इसको जो है रिपेयरिंग करना होगा। सबसे पहले कोई भी कुछ काम कर ही नहीं रहा है, इन्वर्टर भी डाउन हो चुका है, ठीक है, सीटी मार रहा है। तो इसके अंदर अगर देखें तो मॉस्फेट तो अंदर सही लग रहा है दोस्तों, उड़ा हुआ नहीं लग रहा है, इस साइड से भी मॉस्फेट ओके ही लग रहा है। बट हमको जहाँ तक लगता है कि इस इन्वर्टर का जो हमारा, इसको सबसे पहले मार के देखते हैं, यहाँ तो सब ओके दिख रहा है, ठीक ठाक है। अब इसको हमें खोलना होगा, तो थोड़ा सा हम इसको खोलते हैं एक बार। तो अभी इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन करने के बाद सबसे पहले तो कार्ड तो ठीक ठाक लग रहा है दोस्तों, मॉस्फेट भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, इस साइड का भी ओके है। अब प्रॉब्लम मेरे ख्याल से इसका जहाँ तक है, ये जो फ्यूज़ है ना दोस्तों, ये फ्यूज डेड होगा। इन्वर्टर तो पहले सबसे पहले बंद कर लेना होगा, बैटरी को भी बंद कर लेते हैं। अब इसको जो डीसी जो फ्यूज़ है ना, इसको निकालना होगा हम सबसे पहले, निकल जा। ओके गाइस, तो ये डीसी फ्यूज डेड हो चुका है, इसको भी निकालते हैं, निकाल दोस्तों, डीसी फ्यूज भी निकल गया है। और जहाँ तक है पॉसिबल कि ये डेड हो चुका है हमारा डीसी फ्यूज, तो एक बार सबसे पहले इसको चेक करेंगे कंटिन्यूटी में। दोस्तों ये नहीं बता रहा है और ये भी नहीं बताया, यानी कि फ्यूज कम्प्लीटली जो दोस्तों ये बर्न आउट हो चुका है। तो अब इसमें नया फ्यूज हम डालेंगे, तो नए फ्यूज के लिए हमें खजाना खोलना होगा, कुबेर का इसी में रहता है। तो यहाँ पे है हमारे पास फ्यूज, ओके, तो और ये ख़राब फ्यूज, ये ख़राब फ्यूज है और ये अच्छा फ्यूज है। तो अभी इसका जो है आप कंटिन्यूटी चेक कीजिए, देखिए देख रहे हैं ना, बीप बता रहा है, ठीक है, देख रहे हैं बीप। तो अच्छा, कभी भी ख़राब फ्यूज में आपका बीप जो दोस्तों वो नहीं आएगा, ठीक है, इस ख़राब फ्यूज में, और क्योंकि यहाँ से जो ये जो सर्किट है ना, ये टूट जाता है और अच्छा जो फ्यूज होता है वो कंटिन्यूटी बताएगा। तो अभी सबसे पहले इसको जो है इसमें हम लगाएंगे, लगाने से पहले आपको जो इन्वर्टर ऑफ रखना है, मेंस को भी ऑफ रखना है वहाँ से, और बैटरी का भी जो एमसीबी है उसको ऑफ रखना है। तो अभी सबसे पहले इसको हम एक फ्यूज लगाएंगे और चेक करेंगे
कि मे भी कहीं और कहीं प्रॉब्लम तो ना हो। पता चला कि पूरा का पूरा इन्वर्टर फ्यूज मारा था, अभी कुछ और ना जला दे। तो अभी थोड़ा सा इसको लगाते हैं। अब लग जा यार। एक बात दोस्तों, फ्यूज हमेशा कभी भी टाइट लगना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इसको प्लायर से भी चाप सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लायर है सर, इसको जो है इससे इसको ऐसे आप दबा दो, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये चप गया है, टाइट हो गया है। तो सबसे पहले हम बैटरी के एमसीबी को ऑन करेंगे। और भाई जैसे ही ऑन किया ना दोस्तों, ये वापस से जो फ्यूज है ये मार दिया। इट मीन्स कि हमारा मॉसफेट जो है दोस्तों वो शॉर्ट है, कोई ना कोई मॉसफेट जो है इस इन्वर्टर में शॉर्ट है। तो अभी जो है हमें इसका जो है रिपेयरिंग करना होगा। तो इसका जो है दोस्तों ये पार्ट वन है वीडियो, और पार्ट टू इसका जो है दोस्तों रिपेयरिंग में आएगा। सो वीडियो को दोस्तों पार्ट टू भी ज़रूर देखिएगा कि कैसे जो है मॉसफेट रिपेयरिंग किया जाता है किसी भी इन्वर्टर में, खासकर जो मेरा जो बनाया हुआ इन्वर्टर है। तो अभी जो है इसका तो कोई उपाय नहीं हो सकता है, ये कोई भी मॉसफेट जो दोस्तों ये जो मॉसफेट है ये शॉर्ट है मॉसफेट। तो अभी इसको जो है पूरा प्रॉपर हमें खोलना होगा, और खोल कर इसको मॉसफेट को बाहर निकाल कर जो है चेक करना होगा। तो इसका जो दोस्तों पार्ट टू आएगा, पार्ट टू जो है जस्ट इस वीडियो के बाद जो है दोस्तों पार्ट टू आएगा। तो पार्ट टू जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद भारत।